घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट करो। खुद को समझता क्या? पुष्पा किसको देगा अपने कब्जे में? क्यों जाएगा पुष्पा मिनिस्टर से मिलने? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो पुष्पा दी राइस के बाद पुष्पा 2 की कई थ्योरीज निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा यकीन करिए तो जो थ्योरी आज मैं आपको बताऊंगी पुष्पा 2 की, वो होने वाली है सबसे हटके, बोले तो एकदम झकास। पुष्पा 2 में पूरे सिंडिकेट ग्रुप के बिजनेस को पुष्पा लेने वाला है अपने कब्जे में, लेकिन हमारी पुष्पा को झुकाने के लिए उसके दुश्मन उस पर नजर रख रहे होते हैं कि कब पुष्पा एक गलत कदम उठाए और पुष्पा को वो अपने रास्ते से हटा सके। वेल, ये सभी दुश्मन हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी एक बहुत ही डेंजरस विलन की एंट्री पुष्पा मूवी में होने वाली है। मतलब मूवी में हम एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती दिखाई देने वाली है, और वो विलन कौन है ये जानने के लिए आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब जैसे कि पुष्पा अच्छा खासा अमीर बन चुका है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और यहाँ तक कि पावर भी है, ये सब देखकर उसका सौतेला भाई पुष्पा की माँ से आकर माफी मांगता है और उन्हें यानी शिवल्ली और उसकी माँ को घर चलने बोलता है। जैसे ही पुष्पा का सौतेला भाई उन्हें घर चलने के लिए बोलता है, तो उस वक्त पुष्पा की माँ का मानो सपना पूरा होने को आया, और सपना होता है कि वो अपने परिवार में जाकर रहे। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा एक दिन मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है एक काम के सिलसिले में। पुष्पा का कहना होता है कि जब हमारा माल इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है तो ये जो बीच के डीलर्स होते हैं यही आधा प्रॉफिट खा जाते हैं। अगर इन डीलर्स को निकाल कर हम सीधा माल एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पुष्पा कहता है, लाल चंदन का माल लेकर मैं खुद जापान जाऊंगा, लेकिन मिनिस्टर उसे वार्न करता है कि ये खतरनाक हो सकता है और जिसके लिए उसे एक बहुत बड़ी शिप भी लगेगी माल एक्सपोर्ट करने के लिए, और उसका लाइसेंस भी होना काफी जरूरी है। मिनिस्टर कहता है, खैर शिप तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हारे दुश्मनों की गिनती और भी बढ़ जाएगी, मगर हमारे पुष्पा भाव किसी से कम थोड़ी है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, ये डायलॉग तो यहाँ पर बनता है, जिसके चलते पुष्पा मिनिस्टर से कहता है कि चाहे कितने भी दुश्मन हो मैं झुकेगा नहीं साला, और पुष्पा निकल जाता है शिप को लेकर। मिनिस्टर की दी गई वार्निंग के हिसाब से पुष्पा का शिप पर जबरदस्त हमला हो जाता है। क्या इस हमले में पुष्पा मर जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।